दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस नोटिफिकेशन बेल को दबाकर आप ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि आपको मेरी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। प्रिय छात्रों, ये आपका आज भिन्न आकृति परीक्षण का प्रश्नावली एक का जो 100 क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था, कल सॉल्व करके आने के लिए बोला गया था, उसका ये उत्तर है। 1 से 100 तक के सभी क्वेश्चंस का आंसर आपके पास यहाँ पर उपलब्ध है। आप इससे मिला करके और देखिए कि आप 100 में से कितने अंक प्राप्त कर पा रहे हैं। और ध्यान रहे, आप लोग मिलान करके और कमेंट में ज़रूर लिखें। कमेंट करके आपको लिखना है कि आपने कितना सही कर पाया। अगर कोई स्टूडेंट 100 क्वेश्चंस में से 90 क्वेश्चन सही किए हैं तो वो लिखेंगे 90 क्वेश्चंस आर राइट, 90 क्वेश्चंस आर राइट, और फिर अपना नाम देंगे नीचे, ताकि हम समझ सकें कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। और जो प्रॉब्लम होगा उसे दूर किया जा सके। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक भिन्न आकृति परीक्षण का प्रश्नावली एक के, और इन सब क्वेश्चंस का उत्तर जो है आपको व्याख्या सहित भी हम वीडियो में अपलोड कर दे रहे हैं। देखिए पाला का, जैसा कि आप अभी पढ़ पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में व्याख्या किया है कि दूसरी आकृति के अतिरिक्त अन्य सभी आकृतियों के नोक पर तीर का चिन्ह बना हुआ है, जो कि आपके क्वेश्चंस में है। आप देखिए ये व्याख्या को बहुत ही सावधानी से, बहुत ही अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे आप और समझने का प्रयास करेंगे, ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत आप सबों को रीजनिंग में ना रह जाए। रीजनिंग में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए रीजनिंग का प्रैक्टिस करना कभी मत भूलेंगे आप। ये लीजिए, आपको प्रत्येक क्वेश्चंस का जो व्याख्या है उसके आंसर का, ये आप देख लीजिए। व्याख्या को समझने से आपका नॉलेज बढ़ेगा। व्याख्या समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपका हो गया व्याख्या सहित 91 क्वेश्चन तक। आगे आप देख लीजिए 92 से 96 तक, और इधर 97 से 100 तक। ये आपका व्याख्या हो गया। और आज जो है वो आप सबको भिन्न आकृति परीक्षण का ही प्रश्नावली 2 में कुछ जो क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है प्रश्नावली 2 में, ये आपको बना के लाना है। लेकिन इसमें भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को समझ लेंगे, ताकि आपको समझने में आसानी हो और सारा क्वेश्चन आप बना सकें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में ये 4 आकृतियां हैं, इनमें से भिन्न आकृति को आपको छांटना है। तो देखिए क्या होगा। चारों आकृतियों के बनावट पर हम लोगों को विशेष ध्यान देने की पहले ज़रूरत है,
इसमें देखिए दो नंबर का आ रहा है, क्योंकि प्रत्येक आकृति में दो सीधी रेखाएं और दो वृत्त प्रत्येक आकृति में हैं, जिनमें से दो को छोड़कर बाकी एक और तीन और चार इनमें जो है वृत्त दोनों सीधी रेखाओं के बाहर है, दो सीधी रेखाएं और दोनों तरफ बाहर वृत्त। इसमें भी देखिए आप, इसमें भी देखिए, और दो में इसके अंदर है, इसलिए दो ही होगा। इस क्वेश्चन का सही विकल्प जो है उत्तर का दो होगा, क्योंकि ये दो इन तीनों से भिन्न है। तीनों में एक समानता है कि तीनों का जो वृत्त है वो दोनों जो रेखाएं हैं उसके आउटसाइड में है, और इसमें जो दोनों वृत्त हैं वो दोनों रेखाओं के भीतर है। ठीक है, और देख लेते हैं एकाध क्वेश्चन। देखिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। ये देखिए आप 14, इसमें भी हम देखते हैं बढ़िया से क्या है। ये सर्किल है और एक और सर्किल, एक और सर्किल, इसमें देखिए ये आकृति का, ये देखिए, हाँ ठीक है, इसमें आपका आ रहा है, इसमें भी इसमें चार नंबर आ रहा है, क्योंकि इन तीनों में समानता है। समानता क्या है कि तीन तीन आकृति बने हुए हैं तीनों में। ये सर्किल है तो तीन सर्किल बना हुआ है, ये आपका स्क्वायर है यानी वर्ग है तो तीन वर्ग बना हुआ है, एक बड़ा फिर उसके अंदर एक फिर उसके अंदर एक। इसमें भी देखिए आप तीन आकृति बनी हुई है, एक बाहर से बड़ा फिर उसके अंदर एक फिर उसके अंदर एक, और ये आपका त्रिभुज है जो कि इसके अंदर एक ही आकृति यानी ये दो आकृति बनी हुई है, एक बाहर से एक अंदर, और ये इन सब में एक बाहर से और दो दो अंदर है, इसलिए आपका ये चार नंबर ही सही आंसर होगा, चार नंबर ही आपका छांटना होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। 35 में देखिए आप, पैंतीस में एक दो तीन चार, तो इसमें तो एकदम स्पष्ट दिख रहा है तीन, क्योंकि तीन को छोड़कर बाकी जो अन्य तीन हैं आकृति नंबर एक दो और चार, आकृति नंबर एक दो और चार, इनमें से एक भाग ही काला किया हुआ है और तीन में आपका दो भाग काला किया हुआ है, दो नहीं बल्कि देखिए ठीक है दो भाग काला किया हुआ। हाँ, पहले वृत्त को चार भागों में बांटा गया है और चार भाग में से तीन में यानी पहला दूसरा और चौथा में एक एक भाग को कलर किया हुआ है, जबकि तीसरा में दो भाग को कलर किया हुआ है, इसलिए ये अलग है। इसका सही आंसर यही हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, वो है आपका 49 नंबर देखते हैं, 49 में आपका देखिए देखिए 49 में आपका दो नंबर हो जाएगा, ये भी स्पष्ट दिख रहा है, क्योंकि ये और ये तीनों जो है एकदम एक ही तरह की आकृतियां हैं, और ये जो दो नंबर पर है वो अलग है, इसलिए यही छटेगा आपका। सही विकल्प आपका यही माना जाएगा, 49 का टू नंबर ही लिखना होगा। ठीक है, अब आप लोग को
क्वेश्चन देते हैं प्रश्नावली 2 का। भिन्न आकृति परीक्षण के प्रश्नावली 2 देख लीजिए आप, यहाँ से आपका शुरुआत है। प्रश्नावली 2 का आप सारा क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ये देखिए आप, आपका यहाँ तक हो गया 14 क्वेश्चन और फिर इधर 15 से। आपका ये आ गया 25 तक। इसमें आप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय वीडियो को पॉज करके यानी रोक करके क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, सही विकल्प को आप अपने कॉपी में नोट कीजिए यानी क्वेश्चन नंबर के सामने, और फिर आगे बढ़िए, आगे बढ़ करके फिर पॉज कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 36 तक हो गया। अब आपका 37 से शुरू हो रहा है, इधर 37 नंबर, देखिए आप 37 से 43, इधर फिर 44 से आपका 50 तक आएगा। ठीक, ये 50 क्वेश्चन आपका हो गया। इन 50 क्वेश्चंस को बनाना है अच्छे तरीके से। आज का आपका ये होमवर्क रहेगा, 50 क्वेश्चन